नमस्कार मित्रों, किरण को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। लोहाघाट चंपावत में एक ऐसी घटना हुई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। पति पत्नी के पवित्र रिश्ते पर दहेज का ग्रहण आज 21वीं सदी में भी कैसे हावी है, इस बात को साबित कर दिया और कि कैसे दहेज लोभी और महिलाओं को प्रताड़ना देने वाले लोगों की पोल खोल दी इस घटना ने। तो आज हम बात करेंगे किरण बोरा हत्याकांड की एक एक जानकारी की कि किरण की शादी कब हुई, क्यों उसकी हत्या की गई, कैसे उसकी हत्या की गई और अपराधियों पर कौन सी धाराएं लगाई गई है और कौन सी सजा उन अपराधियों को होगी। तो वीडियो में आप बने रहिए, अंत तक पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, एक एक बारीक जानकारी। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना, भुवन की जंग राष्ट्रनीति ने लड़ी थी और किरण की जंग भी राष्ट्रनीति लड़ रहा है। लेकिन राष्ट्रनीति के जितने सारे दर्शक वीडियो देखते हैं वो हमारे सब्सक्राइब नहीं करते चैनल, तो मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूँ कि राष्ट्रनीति को आप अपना आशीर्वाद अपना प्यार दें, क्योंकि ये चैनल आपकी आवाज़ है, आपकी आवाज़ उठाता रहा है उठाएगा भी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने में आप हिचके मत और शेयर और लाइक भी जम के करें। तो आइए किरण को इंसाफ दिलाने की इस कड़ी की शुरुआत करें और किरण बोरा हत्याकांड की पूरी तहकीकात करें। 3 महीने पहले ठीक किरण और कुलदीप की शादी हुई थी। बगल में आपको एक तरफ किरण और एक तरफ कुलदीप दिखाई दे रहा है और ये उनकी शादी की ही तस्वीर है। शादी के कुछ दिनों तक माहौल शांत था, ठीक था, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद कुलदीप और उसकी माँ ने और उसके परिवार ने किरण पर दहेज न मिलने का प्रताड़ना आरम्भ कर दिया। दरअसल कुलदीप और उसका परिवार एक दहेज लोभी परिवार था जिन्हें शादी में महंगे गिफ्ट और बहुत सारे कैश मिलने की उम्मीद रही होगी। लेकिन जब वो उम्मीद पूरी नहीं हुई तो उन्होंने किरण पर अत्याचारों का सिलसिला आरंभ कर दिया। वो अत्याचारों का सिलसिला जो उसको रोज प्रताड़ना दी जाती थी, और ऐसा नहीं था कि किरण ने अपने घर वालों को ये बात नहीं बताई। किरण ने अपने घर वालों को ये बात बताई जरूर थी, लेकिन किरण के घर वाले भी इसको एक बड़ी सामान्य सी घटना मान करके इग्नोर करने लगे और ये सोचने लगे कि आज नहीं तो कल रिश्ते सामान्य हो ही जाएंगे। लेकिन दहेज लोभी कुलदीप और उसका परिवार इस हद तक गिर जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। दरअसल 3-4 दिन पहले आधी रात को किरण बोरा के पिताजी के घर पर एक फोन जाता है। इनके पिताजी का नाम है राजेंद्र बोरा जी। तो राजेंद्र बोरा जी को एक कॉल गया और ये कॉल कुलदीप बिष्ट की ओर से किया गया और कहा गया कि आपकी बेटी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है और शायद कहीं ये कोरोना तो नहीं, इस तरफ केस को ले जाने की कोशिश की गई। और थोड़ी देर बाद एक और कॉल जाता है, उस कॉल में बता दिया जाता है कि किरण अब इस दुनिया में नहीं रही। क्योंकि राजेंद्र बोरा जी को पहले ही ये शक था, ये अनुमान था कि दहेज लोभी कुलदीप ने पहले भी उस किरण को प्रताड़ना दी थी, तो उन्होंने पुलिस में उसकी हत्या के बाद रिपोर्ट दी कि दहेज के लिए किरण की हत्या कर दी गई थी। जब पुलिस के पास मामला पहुंचा तो मौका पाते ही कुलदीप और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया और इंतज़ार किया जाने लगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आएगी। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ उसके बाद सबके रोंगटे खड़े हो गए और किरण की हत्या की बात पुष्ट हो गई। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित हो गया कि किरण की हत्या की गई थी और गला दबा करके निर्ममता और क्रूरता के साथ किरण की हत्या कर दी गई। इन दरिंदों ने किरण को या तो उसके मुंह दबाया या उसका मुंह तकिए से दबाया या उसका गला दबाया, इस तरीके की बातों को कहा गया। और उसके बाद गिरफ्तार तो ये पहले ही थे, पुलिस ने इनके खिलाफ दहेज प्रताड़ना एक्ट
और धारा 304 बी के तहत केस दर्ज कर दिया। और अब कुलदीप और उसकी माँ जेल की सलाखों के पीछे है और किरण हम सब से दूर है। कानून अपना काम करेगा, कुलदीप और उसकी माँ को सख्त सजा मिलेगी, इस बारे में कोई दो राय नहीं। लेकिन आज सवाल हमारे समाज पर, हमारे समाज की कुप्रथाओं पर, दहेज पर, क्यों ना आज उत्तराखंड में, पूरे देश में ये एक लहर चले कि कोई भी ना दहेज ले ना दहेज दे। दहेज लेना गुनाह 1961 में कर दिया गया था, लेकिन 50 साल आज इसको हो चुके हैं दहेज एक्ट को आए, लेकिन इसका असर ग्राउंड पर आज बहुत कम दिखाई देता है। अगर लड़का समूह गए में नौकरी करता है तो 10 लाख, पीसीएस अधिकारी है तो 50 लाख, इंजीनियर है तो 20 लाख, कलेक्टर है तो 1 करोड़, दूल्हों की मंडी सजाई जाती है। और माँ बाप भी अपने बच्चों की खुशी के लिए, उसका करियर सेटल हो जाए इस बात के लिए करोड़ों करोड़ रुपया शादी में खर्च करते हैं। क्या हम दूल्हा और दूल्हे के पवित्र रिश्ते को मंडियों की तरह बोली लगा करके तय कर सकते हैं? ये आज समाज को तय करना होगा। और जो लोग दहेज की मांग करते हैं उन लोगों से मैं एक तीखा सवाल पूछना चाहता हूँ। आप खुद सोचिए, कोई माँ बाप अपनी लड़की 22, 23, 25, 27 साल पाल पोस के आपको देते हैं, वो लड़की आपके घर में आती है, आपके घर को संभालती है, खिलाती है, पिलाती है, घर के काम करती है, अगर नौकरी वाली होती है तो कमा के भी आपको देती है, इससे ज़्यादा दहेज आपको क्या चाहिए? क्या कोई पुरुष कभी किसी महिला के घर में जाकर के ऐसे काम कर सकता है? तो ये सभी लोगों को सोचना चाहिए कि आखिरकार कैसे ये चीजें सब हो रही है। आप क्या सोचते हैं, जरूर राष्ट्रनीति को आप इस मुद्दे पर टिप्पणी करके बताइएगा। आपके अमूल्य विचारों का हम हमेशा सम्मान करेंगे। और भुवन जोशी के केस को भी हम लड़ रहे हैं, जैसे ही कोई अपडेट आता है आप चिंता मत कीजिए, हमारी नज़र गिद्ध की तरह उस पर बनी हुई है, छोटी सी भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे जरूर। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर हमें सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और किरण बोरा केस में भी जो कोई अपडेट आएगा लगातार उसको इंसाफ दिलाने की राष्ट्रनीति के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।